वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है चिली सोयाबीन। चिली सोयाबीन बनाने के लिए हमें लगने वाला है एक कटोरी सोयाबीन, जो कि मैंने इसे भिगो के रखा था 20 मिनट तक, और जो भिगोते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। और ये है एक चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 है ये कटा हुआ प्याज जो कि मैंने स्क्वायर में काटा हुआ है, 1 कटी हुई शिमला मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच ये लहसुन है, 2 चम्मच हरा धनिया, और ये है सॉसेस, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, सोया सॉस, और 1-1 चम्मच करके ये ग्रीन चिली सॉस है। तो इसमें मैंने ये सारा एक करके अच्छी तरीके से इसे मिक्स करके रख दिया है। और ये है 1 हरी बारीक कटी हुई मिर्ची, 1 मैंने ऐसी ही रेड मिर्ची ली है जो कि हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, और ये 1/2 चम्मच है कटा हुआ अदरक। तो चलिए शुरू करते हैं हम चिली सोयाबीन। चिली सोयाबीन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये सोयाबीन की वरी को थोड़ी देर तक मैरिनेट करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे 1/2 स्पून नमक, थोड़ा सा मतलब 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, और एकदम कम, 1/2 से भी कम मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें जाएगा ये थोड़ा सा 1/2 जो मैंने 1 स्पून लिया है, तो 1/2 स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल दूँगी। और ये जो मैंने सॉसेस लिए हैं, जो कि मैंने टमाटो सोया सॉस और चिली सॉस जो लिए हैं, वो मैं इसमें 1 चम्मच डाल दूंगी, और अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स करके रख दूंगी साइड में। तो देखिए हमने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है, और मैं इसे अभी मैरिनेशन के लिए 10 मिनट के लिए साइड रख दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, और अभी हमें इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड करने हैं और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो मैंने जो ये 1 चम्मच मैदा लिया हुआ है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और 2 चम्मच मैंने जो कॉर्नफ्लोर लिया था वो भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। और ये सारे इंग्रेडिएंट डाल के जैसे हमें लगेंगे उस तरीके से हम लोग इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करके, थोड़ा सा हमें इसमें पानी भी ऐड करना पड़ेगा। वैसे हम लोग इसका अलग से घोल भी बना सकते थे, लेकिन मैंने इसी में ये अच्छे तरीके से ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट भी हो जाए और ये अच्छा भी लगे। तो अभी मैं इसमें ये जो 1 चम्मच मैं इसमें ये सॉसेस का जो घोल है वो भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, और अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर लूंगी। इसमें पानी ऐड करती हूं मैं। देखिए इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का, मैं जितना चाहिए उतना पानी ऐड कर सकते हैं आप, और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। और ये जो हमने कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड किया है वो मतलब ये जो बरी है इसको ये जो पेस्ट है अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। ज़्यादा भी आपको इसमें कुछ ऐड नहीं करना है और पतला नहीं होना चाहिए, वाटर ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसको इसी तरीके से एक एक करके हम लोग सोयाबीन की वरी ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये अभी फ्राई करने के लिए एकदम रेडी है। कढ़ाई में हमने तलने के लिए तेल लिया था, और ये अच्छे तरीके से अभी गर्म हो चुका है। हम लोग इसे अभी मीडियम फ्लेम पर रखते हैं और एक एक करके हम लोग इसे फ्राई करेंगे। देखिए सोयाबीन की वड़ी जो है फ्राई करके हो गई है, अभी हम लोग इसका सॉस बनाते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने पैन में 1 चम्मच ऑयल लिया है, जो फ्राई करने वाला जो ऑयल था वही मैंने इसमें यूज किया है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े,
शिमला मिर्ची, इसे अच्छी तरीके से हमें होने देना है, पकाना नहीं है, सिर्फ फ्राई होने देना है इसे। और इसमें जाएगा अभी कटा हुआ प्याज जो कि हमने स्क्वायर काट लिया था, इसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर हो जाए तो हम इसमें अभी लहसुन जो हमने कट किया होता वो ऐड कर देंगे। लहसुन अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी जो सॉस यूज़ किए हैं उसमें मैंने ग्रीन चिली का जो सॉस है वो और रेड चिली सॉस वो सारे डाले हैं, इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं करूँगी। और ये जो सॉसेस हैं, ये सॉसेज जो है वो बचा हुआ है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो देखिए अभी ये हो चुका है, हमें इसे रेड नहीं करना है और ज़्यादा पकने भी नहीं देना है, तो ये सॉसेज मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम हम हाई करते हैं और इसमें हमारी जो सोयाबीन की भरी है ये सारी हम लोग डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा सा लो किया हुआ है और अच्छी तरीके से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं, इसे ज़्यादा पकाने की वगैरह ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वाटर थोड़ा ऐड कर सकते हैं। मैं ये सॉसेस का ही वाटर थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। और जो बड़ी है वो ऑलरेडी पकी हुई है क्योंकि वो हमने फ्राई करते टाइम अच्छी तरीके से फ्राई की थी, और ये हम इसे अभी 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पकने देते हैं, इसे हम लोग कवर करके रखेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रखते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम लोग देखते हैं इसे। हाँ, हमारी जो चिली सोयाबीन है वो बनके एकदम रेडी है, हम गैस बंद कर देते हैं। तो देखिए हमारी चिली सोयाबीन बनके रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्मिताज इंडियन किचन, लाइक एंड शेयर द वीडियो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।